हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको एक और नए ब्लॉग के साथ फिर मैं मिलने जा रही हूँ। बहन है क्या? मम्मी है भाई वो। नहीं मतलब शक्ल बेटी हो उनकी। नहीं मतलब शक्ल बेटी हो उनकी। ये है क्या चीज़? ये पन्ना मीना की बावड़ी बनी है पुरानी टाइम की। अच्छा बावड़ी है ये। अच्छा अच्छा ऊपर में जाके ऊपर वो जा करके फोटोग्राफी कर लो। ये है बावड़ी ऊपर नहीं भैया। नीचे आओ भैया। वो अलग है। वो इनका आर्मी का वो बना हुआ था। अरे हमको दो कितने राजा ने बनवाया थे? तुम्हारा राजा मांसी। तीन राजाओं ने मिलकर बनाया। चलो बेटा एक 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 और देखो, बस पीछे देख के खींचो। हर्ष इस साइड उधर 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 जहाँ भैया देखो। देखिए तो कि क्या हो रहा है। घर से देख रहा है तब भी ये देखो गाड़ी मिलेगा आपको पार्किंग में। आपको बैक साइड में जाना है, गाइड है, गाइड घुमा के आपको पार्किंग कर दिया है। ठीक है ना, गाड़ी का नंबर याद रखना। गाइड जाएगा अंदर तो सर जी, गाइड कराया ना अपन ने तो फिर लोड जब लगा उसी गाड़ी। हाँ गाइड दिखाएगा आपको अंदर। इस समय हम लोग दीवाने आम में खड़े हैं। यहाँ पर आम जनता के लिए समस्याओं का समाधान करने के लिए सब लोग एकत्रित होते थे। Thank you.
ये यहाँ का गार्डन है और यहाँ पर आम जनता का जाना मना था। यहाँ पर केवल वही लोग जा सकते थे जो यहाँ के महल से फोर्ट से जुड़े लोग थे। ये दीवानी खास है जहाँ पर महल के खास लोग भी बैठते थे। आई गजब। आमेर के किले का बेहद खूबसूरत हिस्सा शीश महल, ये पूरा शीशों से बना हुआ है। इसके अंदर रानी का कमरा है और जिसको 2008 में बंद कर दिया गया है, पब्लिक के लिए ओपन नहीं है क्योंकि पर्यटकों ने इसको काफ़ी डैमेज कर दिया हुआ था, तो आजकल वो बंद है तो उसको बाहर से ही देख सकते हैं। और रानी के कमरे में भी पूरा स्टोन से बना हुआ था, जब रानी सोती थी तो उस समय ऊपर का छत ऐसी लगती थी जैसे आसमान में तारे चमक रहे हों, क्योंकि मेरा देखा हुआ है, बहुत सालों पहले मैंने ये देखा हुआ था। उस समय यहाँ पर जब बहुत सारी मशालें जलती थी तो उस समय उनका रिफ्लेक्शन इन शीशों पर पड़ता था जिससे ये शीश महल बिल्कुल जगमगाता रहता था। ये रानी का रिक्शा है, जब रानी महल में घूमती थी तो उसमें इस पे बैठ के घूमती थी, क्योंकि वो लोग इतने भारी जेवरात और वस्त्र पहनती थी, इतने भारी आभूषण होते थे कि उनका पैदल चलना नामुमकिन था। और इसको उनकी गाड़ी को किन्नर घसीटते थे क्योंकि उस समय जेंट्स अलाउड नहीं थे और औरतें उनको घसीट नहीं सकती थी। और ये आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हवा आने के लिए बना हुआ है, पूरे चारों तरफ छेद बने हुए हैं और यहाँ से पानी आता था बाहर से फ्लो से, तो जब भी पानी आता था तो हवा के साथ वो पानी ठंडक में कन्वर्ट हो जाता और बिल्कुल एसी जैसी ठंडी हवा आती थी और पानी वेस्ट नहीं होता था, ये सारा क्यारियों में जाता था। बहुत ही अच्छी व्यवस्था उस समय थी। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और भी बाकी कुछ है भी देखने के लिए, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने बाहर ओपन हिस्सा देखा, अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं जहाँ से होते हुए महल में प्रवेश होता था। और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं जनानी ड्योढ़ी, यानी कि यहाँ पर रानियों के रहने के कमरे थे, अभी आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर और किसी का बाहरी जेंट्स का प्रवेश वर्जित था। और ये देखिए उनके कमरा दिखा रहे हैं, अभी यहाँ तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे रानियाँ रहती थीं, ये कमरा है और इसके अंदर भी एक और कमरा है। सामने जो काले रंग का आप इस ग्रिल देख रहे हैं, ये पटरानी का हमाम होता था और ये सामने वॉशरूम होता था उस समय का। जो राजा की मुख्य पटरानी होती थी उसको ही अलग से हमाम मिलता था, बाकी सभी रानियों का टॉयलेट सब कंबाइंड होता था। सीम को देख लो ना आप, हाँ। ये ना ये पूरी स्लैब थी यहाँ से तक उतर जाती, अच्छा। बैठने के लिए भी उतरने जाते। राजा मानसिंह की 12 रानियां थीं और तीन तीन कमरे करते हुए चारों दिशाओं में 12 रानियों के कमरे होते थे। और राजा का किसी भी रानी के कमरे में जाने के लिए अलग से सीढ़ी होती थी। राजा को जिस रानी के भी
कमरे में जाना होता था तो वो डायरेक्ट उसी उनके रूम में सीढ़ी होती थी, डायरेक्ट उनके रूम में उतर जाते थे। ये तीन दरवाजों वाला व्हाइट वाला, हाँ हाँ, ये राजा मानसिंह का महल, मानसिंह महल, मानसिंह महल के अंदर के रूम से बंद करिए। कौन सा ऊपर वो जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये ऊपर राजा दम आ गया। देखो रूम बंद किए हुए दिख रहे हैं, कांच लगा के अंदर का गेट बंद कर दिया। अंदर बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स थी, लोगों ने जो अपनी एक्स्ट्रा कलाकारी उस पर दिखाई थी ना, इसलिए सही बात है। ये सब चीजें नहीं करनी। ये क्या है, ये बाहर जो खुला छोटा है ना, वो इसलिए छोटा है कि वहाँ कुछ है नहीं, जैसे नीचे खाली पड़ा है ना, कुछ भी नहीं, कोई पेंटिंग भी नहीं है, वैसे ऊपर भी कुछ नहीं है, इसलिए खाली छोड़ा हुआ है। अब यहाँ से एक चीज और देखो, राजा के अपार्टमेंट से आप एक रास्ता देखो, ये अंदर ही अंदर होता हुआ रास्ता चारों तरफ से वापस यहाँ के खत्म हो रहा है। ये ऊपर ये पूरा राउंड लगा, ऊपर कमरे नहीं है, सिर्फ रास्ता है जो राजा के अपार्टमेंट से शुरू होकर चारों तरफ से हमारा अपार्टमेंट को कवर करता हुआ राजा के महल पे वापस। अच्छा, ऊपर जाके रानी का एक वहाँ से सीढ़ी दिख रही है, सभी 12 अपार्टमेंट से सीढ़ियां इस रास्ते में जा रही है। राजा को जो अपनी एक रानी से मिलना है उसी रानी को इन्फॉर्म नहीं करना, इस रास्ते से होते हुए इन सीढ़ियों से किसी भी रानी के रूम में डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। और जो रानियां थी उनको एक दूसरे के रूम में जाने की परमिशन नहीं है। खुला हुआ है ना ऊपर का बता रहे, सीढ़ियों की हाइट नॉर्मल हाइट से थोड़ी ज़्यादा थी और हम लोग सबसे ऊपर किले के सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं। और यहाँ से देखिए कितनी अच्छा व्यू दिख रहा है, पहाड़ियाँ दिख रही हैं और बहुत ही अच्छा फील आ रहा था यहाँ करके हम लोगों को, सभी को बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग भी कभी जयपुर आएँ तो आमेर का किला ज़रूर घूमें और गाइड ज़रूर कर लें, क्योंकि गाइड कर लेने से हम लोगों को बहुत सारी अपनी हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिल जाती है। वो लोग सभी चीज़ें हम लोगों को बताते हैं, जिससे हम लोग को सब चीज़ें मालूम होने के साथ अगर घूमते हैं तो ज़्यादा आनंद आता है। थोड़ी देर के लिए बस बैठ गए हैं हम लोग, थोड़ी देर जब तक बच्चे वगैरह फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो आज हम लोगों का केवल यही था कि जयपुर में आमेर का किला घूमेंगे और घूमते घूमते इस समय मेरे हिसाब से करीब 4 के बज रहे होंगे और इसके बाद हम लोग वापसी करेंगे और कहीं भी घूमने का आज नहीं सोचा है, बस जा कर के खाना खाएंगे क्योंकि दोपहर का खाना हम लोगों ने नहीं खाया था। अब बस हम लोग वापस उतर रहे हैं, कई चारों तरफ की सीढ़ियाँ थी तो समझ में नहीं आ रहा था किस सीढ़ी से आए थे और किस सीढ़ी से उतरना है, तो बस एक दूसरे को देख रहे थे कि सब लोग इकट्ठा हो गए कि नहीं हो गए। तो बस हम लोग अब वापसी कर रहे हैं, मिलते हैं आपके साथ एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।